बॉलीवुड के नए बादशाह अक्षय कुमार इस साल अपनी फिल्मों से लगभग 2000 करोड़ का बिजनेस करने वाले हैं। अक्षय के पास साल 2022 में एक के बाद एक फिल्में पाइपलाइन में हैं, जिनसे उम्मीद है कि वो साल 2022 में बॉलीवुड के नए बादशाह बनकर उभरेंगे। इस साल इतनी फिल्मों की शूटिंग और काम में अक्षय काफी बिजी रहने वाले हैं, और ऐसे में उनका परिवार इनकी शिकायत ना करे कि वो काम के आगे परिवार के लिए वक्त नहीं निकाल रहे हैं, तो अक्षय ने पहले ही परिवार को मालदीव की सैर करवा दी है, जिसके बाद अब अक्षय मजे से अपना काम कर वापस लौट सकते हैं। आगे का वीडियो देखने से पहले हमारा चैनल एनएन बॉलीवुड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही कर लें। इसके साथ ही आपको यहाँ दिख रही घंटी भी बजानी है, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। अक्षय कल मालदीव से मुंबई वापस लौट आए हैं, मगर मालदीव में बिताए खास लम्हों से अक्षय की पत्नी ट्विंकल खन्ना ने एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें वह अपनी बेटी के साथ आराम फरमाते हुए किताब पढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तस्वीर में ट्विंकल और उनकी बेटी नितारा दोनों के ही हाथों में एक एक किताब है, जिससे साफ पता चलता है कि अक्षय कुमार की लाडली नितारा को भी पढ़ने का शौक है। लेकिन ये शौक ट्विंकल के लिए कभी कभी परेशानी का सबब भी बन जाता है। ट्विंकल खन्ना ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, वह मुझे उस जीप से नीचे झुकाती है जो एक इलेक्ट्रिक मच्छर रैकेट के रूप में दोगुनी हो सकती है, और हमेशा मेरे पास उत्तर से अधिक प्रश्न होते हैं। मेरी एकमात्र राहत उसके हाथ में एक किताब थामने की है, ताकि उसका दिमाग व्यस्त रहे और उसका मुंह बंद हो जाए। ट्विंकल खन्ना अपनी बेटी नितारा के मासूम सवालों से परेशान हो जाती है। अक्षय कुमार के बारे में बात करें तो वह अपनी पत्नी ट्विंकल खन्ना का बर्थडे और न्यू ईयर सेलिब्रेट करने परिवार के साथ मालदीव पहुंचे थे। इस दौरान अक्षय ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें और वीडियो भी शेयर किए हैं। अक्षय कुमार इस वक्त इंडस्ट्री के सबसे बिजी स्टार्स में से एक है, यहाँ कहे तो उनसे ज्यादा बिजी आज के समय में कोई स्टार नहीं है। अक्षय कुमार फिल्म OMG 2 और राम सेतु की शूटिंग कर रहे हैं। इसके अलावा अक्षय कुमार फिल्म पृथ्वीराज, बच्चन पांडे, रक्षाबंधन, राउडी राठौर 2 में नजर आने वाले हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।